गाली कप्तान को मिलेगी तो गाली भी कप्तान को मिलेगी। आप अल्लाह ताला के फजल से आपका प्रधानमंत्री बन के उदय होना हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है भारत के प्रति। जब तक कुछ बातों का सही जवाब आप नहीं दोगे तब तक जनता वही कहते रहेगी कि चौकीदार 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 चौकीदार। बस यही गली गली में शोर है कि माखनलाल। तो क्या छोटे हो जाओगे आप? क्या 56 इंच की छाती जो है वो 6 इंच की हो जाएगी? अरे बोलो ना एक बार, सामने खुल के बोलो। खामोश। ये हालत जो हुई है उस पे ही चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा क्यों लुटा? मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ताली लेने खुद आओगे? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। खामोश, नहीं चलेगा। देश में अगर किसी को सही मायने में किसी की चाणक्य से तुलना की जा सकती है तो वह है हमारे अपने माननीय सम्माननीय आदरणीय शरद पवार जी। उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आपने सुना आयरन लेडी सिर्फ बंगाल की टाइग्रेस नहीं बल्कि रॉयल बंगाल टाइग्रेस, दी लेडी, ओनली वन लेडी एंड वन अमंग ऑल द लेडीज, ऐसी हमारी नेता, हमारी फ्रेंड, हमारी बहन ममता बनर्जी जी और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे दोस्त जो खासकर बेंगलोर से यहां आए हैं इस धरना में, इस प्रोटेस्ट में शरीक होने, दानिश अली भाई, और इधर आपने देखा है बहुत ही गजब की त्रिमूर्ति बैठी हुई, मनीष सिसोदिया जी चले गए, लेकिन हमारे अपने संजय सिंह जी, हमारे दिलीप पांडे जी, राघव चड्ढा जी और तमाम हमारे पार्टी के विधायकगण, हमारे अपने लोग, हमारे अपने एमपीज, सांसदगण, यहाँ पे हमारे मीडिया के बंधुगण, और सबसे ज्यादा इतनी बड़ी तादाद में इतने कम समय की सूचना के बावजूद इतने लोग आए हुए हैं, और तमाम परिवार के बंधुओं को, भाइयों बहनों को मैं यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू, आपको प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं इस कार्यक्रम में ज्यादा समय न लेता हुआ अपना भरपूर समर्थन देता हूं। व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं। ये घड़ी देश की है, देश को बचाना है, देश को चलाना है, देश के संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, डेमोक्रेसी को चलाना है। इसके लिए चाहे किसी पार्टी का कोई हो, अगर उसे लगता है कि आपके परफॉर्मेंसेस और आपके प्रॉमिसेस में बहुत लंबी चौड़ी खाई पैदा हो गई है, अगर लगता है कि वायदे वायदे खिलाफी में बदल रहे हैं, अगर यह लगता है कि देश के युवाओं के लिए सिर्फ बेरोजगारी नहीं, उनकी आशाओं को, उनके सपनों को कुठाराघात किया गया है, अगर कोई लगता है कि हमारे किसान परिवार के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जिस तरह से वो आत्महत्या कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, त्राहिमाम स्थिति है देश में, हर इंस्टीट्यूशन चाहे सीबीआई का हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे ईडी का हो, सारी चीजें जो हो रही हैं और जगह जगह जिस तरह बदले की राजनीति चल रही है, बदलों के तहत लोगों को पकड़ा जा रहा है, धरा जा रहा है, डराया जा रहा है, तो ये राष्ट्रीय कर्तव्य है हर इंसान का, चाहे किसी भी पार्टी में हो, कि देश हित में, देश की जनता के लिए वो सामने उठकर आए और अपनी बातें रखे, स्वार्थ की राजनीति नहीं। आपने देखा होगा जो 2014 में हम सबों की जो तत्परता थी, हम सबों की चुस्ती और मुस्तैदी थी, आपने देखा होगा 2014 में जिस तरह से प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया गया, युवा पीढ़ी को एक गुट किया गया और एक नए प्रधानमंत्री की देन हुई, एक नए प्रधानमंत्री उभर कर सामने आए, क्या उम्मीदें, उम्मीद की किरण नहीं बल्कि प्रकाश पुंज बनकर आए वो, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या वायदे हुए, क्या क्या दावे हुए। यानी मुझे वो याद आता है कि दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां याद आती हैं, जब वो आए थे तो फिर कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, आए थे तो ये कहा गया था हर घर में रोशनी होगी,
कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। वायदे से 15 लाख रुपए देने के वायदे, जुमले की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह देखें आप, किसानों की बात कर रहा हूं, किसानों को उचित मूल्य देने का वायदा याद दिला रहा हूं, नौजवानों को हर साल 2-2 करोड़ की नौकरी देने का वायदा याद दिला रहा हूं। कहां गई वो बातें, सब बातें खत्म। तो दुष्यंत कुमार की पंक्तियां वहां लागू होती हैं कि कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और एक बार चुनाव खत्म प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद फिर कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ऐसा क्यों और कब तक? मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में मंत्री रहे थे, क्या फर्क पाते हैं अटल जी के शासनकाल में और आज के शासनकाल में? मैं कहता हूं फर्क यही है, उस वक्त तानाशाही नहीं थी बल्कि उस वक्त लोकशाही थी, और आज तानाशाही दिखती है, जिसे जो चाहे बना दो, जो चाहे कर दो, जो घोषणा कर दो, त्राहिमाम स्थिति पैदा कर देते हैं। खामोश, ये हालत जो हुई है उसमें ही चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। आज किसी मंत्री को कोई पहचानता है? कोई मंत्री को जानता है? आपसे कहा जाए 3-4 मंत्री का नाम लेने को तो आप 2 तो ले लेंगे, आप प्रधानमंत्री का नाम ले लेंगे, इनके बारे में पूछा ही नहीं गया है। एक उनका क्या नाम है उनका, वो शेख ये अमित शाह, अब अमित शाह का ले लेंगे, उसका ढूंढते रह जाओगे और कौन कौन मंत्री, क्योंकि कोई 90% मंत्री तो कोई जानता नहीं है, जानता है तो कोई मानता नहीं है, मानता है तो कोई पहचानता नहीं है, पहचानता है तो किसी काम के नहीं है। एक काम बोला नहीं 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 तो पीएमओ में जाना पड़ेगा, पीएमओ, अरे पीएमओ ही चलाएगा, तो तुम काहे को शपथ ले रहे थे, तुम काहे को मंत्री बने हो? बस चमचागिरी में स्तुति गान करते रहेंगे, सवाल कुछ और होगा, जवाब कुछ और देंगे। जब तक कुछ बातों का सही जवाब आप नहीं दोगे तब तक जनता वही कहते रहेगी कि चौकीदार। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हो खामोश, तब तक लोग वही कहते रहेंगे चौकीदार चौकीदार चौकीदार। बस यही तो गली गली में शोर है कि माखन लाल। बस मैं कहता हूं इसका जवाब दे दो अच्छा रहेगा, निप द बट इन द बिगनिंग। 3-4 सवाल तो हैं, ये मत कहो कि उन्होंने रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दे दिया है, अच्छा मैं सब बोल चुका हूं, अच्छा सुप्रीम कोर्ट पे जा जिस आधार पे वहां जजमेंट उसका मैं सम्मान करता हूं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फैसला दे दिया है। अगर आप सच सच बोल ही दोगे, एक बार और बोल दोगे तो क्या छोटे हो जाओगे आप? क्या 56 इंच की छाती जो है वो 6 इंच की हो जाएगी? अरे बोलो ना एक बार, सामने खुल के बोलो। आप अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की असीम अनुकंपा से, आपने इस तरह से ये जो आपका प्रधानमंत्री बनकर उदय होना हुआ, तो आपकी जिम्मेदारी है भारत के प्रति, आपकी जिम्मेदारी है भारत की जनता के प्रति। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा। मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ताली कप्तान को मिलेगी तो गाली भी कप्तान को मिलेगी। ताली लेने खुद आओगे, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, खामोश नहीं चलेगा। चोलबे ना दादा, ये रोको कखनो चोलबे ना, होते ही हो बे।